चलिए अभी जाके रूम पे नहाएंगे धोएंगे, और संडे में तो कुछ प्रोग्राम बना नहीं मटन वाला, तो आज है मंडे, आज सोच रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, हमने पापा आए थे इस खुशी में, पापा को बोला कि आज मटन खिला दीजिए, देख सकते हैं पापा 1.5 किलो मटन ला दिए प्रोफेस। चलिए आज बनेगा, मजा आएगा खाने में। दोस्तों भी रात के 8 बज चुके हैं और फाइनली देखिए 1.5 केजी मटन लेके आ गए हैं, तो विराट बाबू का आज मटन खाने का मन था, और कल संडे वाला प्रोग्राम भी नहीं हुआ था क्योंकि कल गाड़ी लोडिंग वगैरह कर रहे थे, फुर्सत नहीं मिला था। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं चावल अपना बन गया है और ये अपना रोटी भी बन गया है। तो चलिए इधर कुकर में प्याज वगैरह सारा डाला जा चुका है, देख सकते हैं। चलिए आज जो मटन है दोस्तों आज हमारी वाइफ बनाएगी। चलिए हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, अब यहाँ पे मटन डाला जा रहा है। कुकर में बना था मटन तो बहुत ही अच्छा बना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, और दोस्तों पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग आसनसोल से माल लोड किए थे और पेटरवार से 3 किलोमीटर पीछे सो गए थे। तो दोस्तों सुबह वहां से चले और गाड़ी अभी रांची पे लेके आ गए हैं, बिल्टी वगैरह सारा जमा हो चुका है और 2-3 गाड़ी के बाद हमारा नंबर है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सब्सक्राइबर भाई आ गए मिलने के लिए, इनका छोटा गाड़ी है, छोटा आती है ना भैया, तो बाकी ये बोकारो से रांची का माल लेके आए थे, तो भैया के साथ में आ गए चाय पीने के लिए। इधर देखिए आपका क्या नाम है भैया? रूपेश यादव। रूपेश यादव जी, आपका भैया? बिट्टू। बहुत दिन से कोशिश किया मिलने का, लेकिन आज मिलने को वीडियो में देखते थे रांची में कि बराबर आना जाना रहता है, लेकिन हम घर पहुंचे थे तभी उषा मार्टिन में रहते थे, अचानक अभी देखे तो हम सोचे उठाए कि नहीं उठाए, 10 मिनट तक सोचे, फिर बोले कि फिर कभी मुलाकात होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज कर लेते जो होगा देखा जाए। ऐसा कोई बात नहीं भैया, कोई बड़का सेलिब्रिटी नहीं, हम भी आप ही जैसा ट्रक ड्राइवर हैं। और ये देखिए आज सुबह का जो चाय हो रहा है सब्सक्राइबर भाई के साथ में हो रहा है, तो चलिए भैया चाय उठाइए और पीजिए, एकदम कुल्हड़ वाला चाय है एकदम, और फुल्हाड़ वाला चाय पीने का मजा कुछ अपना ही है, अपना ही है। तो चलिए अभी रोहित भाई को फोन किया, तो रोहित भाई बाथरूम गए, तो बोला भैया हम आ रहे 10 मिनट में, ठीक है तो हम चाय पी लेते हैं, सब्सक्राइबर भाई को काफी लेट हो रहा है इनका। दोस्तों अभी दिन के 12:30 बज चुके हैं और गाड़ी खाली करके आ गए हम लोग रमाझी में, और आगे अब हम लोग को रामगढ़ घाटी मिलने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी उधर साइड में लगा दिए हैं, और ये रहा झारखंड होटल, तो यहीं पे अभी खाना वाना खाएंगे, तो अभी मुंह वगैरह सारा धो लिए हैं और यहाँ सामने से ही रामगढ़ घाटी शुरू हो जाता है। तो सुबह से कुछ खाए हुए नहीं थे, नाश्ता भी नहीं किए थे, क्योंकि सुबह में जब पेटरवार से चले तो मुंह वगैरह भी नहीं धोए थे, पहले गाड़ी खाली करनी है, तो सबसे पहले आके मुंह धोएं, अभी खाना का ऑर्डर दे दिए हैं, तो रोहित भाई भी बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, खाने में ना खा लेते हैं, फिर रामगढ़ घाटी आराम आराम से ढूलेंगे। और इधर देख सकते हैं सब्सक्राइबर भाई भी बैठे हुए हैं, रोहित भाई आराम से मोबाइल चला रहे, अभी ऑर्डर दिए हैं तो ऑर्डर आया नहीं है। और बताइए भाई जी क्या हाल चाल है? सब ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? कलम प्रजापति। चलिए हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारा वीडियो देखते हैं, तो मिल के बहुत ही अच्छा लगा। बाकी रोहित भाई खाना अभी तक आया नहीं? आ रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज खाना होना हमारा यही झारखंड होटल में होगा। देखिए दोस्तों हम लोग का तो खाना आ गया है, देखिए सेव भाजी और रोटी है, तो चलिए आप खाते हैं, यहाँ से खा के निकलेंगे, कहीं के टायर पंचर भी बनाना, तो चलिए वहाँ बोकारो में बनाएंगे, खाली गाड़ी है कोई दिक्कत नहीं होगा, और रुद्रा लाइन होटल का पीछे बनाएंगे, क्योंकि उसका पास जग सब रहता, हम लोग का जग खराब है, तो चलिए अब खाते हैं। तो दोस्तों उधर रोहित भाई खाना खा रहे हैं, इधर देखिए हमारा भी सेव भाजी और रोटी निकला हुआ है, तो चलिए फटाफट खा के निकला जाए। खाना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, सेव भाजी ही ऐसा सब्जी है जो मतलब ताज़ा बनता है, बासी सी और लफड़ा नहीं, एकदम ताज़ा बना के होटल वाला देता। देखिए दोस्तों अभी तो खाना वाना खा लिए हैं, अब चलिए अब यहाँ से निकल रहे हैं, इधर पंकज भी आया है, अब देखिए गाड़ी हम लोग का वहाँ लगा हुआ है, अब खाना वाना खा के अब यहाँ से आराम से घाटी धीरे धीरे ढूल जाएंगे, क्योंकि टायर भी पंचर है भाई, बल्पिन लिखना है, अब टायर पंचर वो पता नहीं चल रहा है, तो चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों अभी खाना तो वहाँ से खा के चले घाटी पे, जैसे ढूले भाई यहाँ पे पूरा भयानक जाम लग चुका है, देख सकते हैं कारण क्या है, आदिवासी का वन विभाग होश में आओ, आदिवासी जंगल बचाओ पहाड़ बचाओ, उसी का संरक्षण लेके आदिवासी समुदाय जो है रैली निकाला है, धरना प्रदर्शन, मांडर उधर सब लेकर आया, कुल्हाड़ी तुल्हाड़ी सब लेकर आया, तीर उर सब है, गाड़ी हमने यहाँ खड़ा कर दी है, देखिए ढोल उल तीर उर सब जा रहा है लेके, और साथ में एक करके पेड़ का डाल ले लिया है वो लेके चल रहा है, तो चलिए अब भाई पेड़ भी रखना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ कटा रहा है भाई, अब
इस साल गर्मी में बच गया, अगले साल कहाँ जाइएगा, ठंडा आ रहा है, ठीक है ठंडा बर्दाश्त कर लीजिए, गर्मी कहाँ बर्दाश्त कीजिएगा। सबसे बड़ा बात है पेड़ पौधा रहना चाहिए भाई, ठीक है, जितना रोड साइड का है पूरा बड़ा बड़ा पेड़ कटा जा रहा है भाई, बहुत दिक्कत होगा बाद में भाई, ये जल्द बहाल रहे भाई, घर में दो पेड़ श्योर रहना चाहिए। तो चलिए भाई, पंकज भैया को पौधा लगाने के लिए ऑप्शन मिला है सरकार का तरफ से, वो अभी मिल जाएगा, 5,000 पौधा देगा पंकज भैया को घर में लगाने के लिए। दोस्तों अभी दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हम गोला पार कर रहे हैं, तो दोस्तों झारखंड में बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी गाड़ी लेकर चल रहे हैं, देख रहे हैं पसीना से एकदम हालत ख़राब हो जा रहा है, मतलब 3 बजे रात में हम लोग सोए थे, फिर सुबह 6 बजे उठ के यहाँ से चल दिए, और जाते के साथ में गाड़ी भी खाली हो गया, और वापस फिर रिटर्न भी हो रहे हैं, और कल फिर माल हम लोग बोकारो से रांची का लोड करेंगे, तो अभी हम लोग को जो है 4-5 दिन बहुत ट्रिप मारना है, मतलब सोना मना है, मतलब बहुत मेहनत करना है, गोला हो गया, चितरपुर हो गया, पेटरवार हो गया, ये पूरा सिंगल रोड है, मतलब रोड पे ही लोग टेम्पू खड़ा कर देता है, बाइक खड़ा कर देता है, बाजार लगा देता है, तो गाड़ी वाला को बहुत परेशानी होता है भाई। अभी थोड़ा सा अभी अगर टच हो जाएगा ना पब्लिक में, तो पब्लिक लोग का रिएक्शन तो आप लोगों को पता होगा, बहुत मारता है, तो अभी क्या बोल सकते हैं, अब हॉर्न वॉर्न मार के कहीं साइड करके धीरे धीरे चलते हैं। हेल्पर क्यों रखा जाता है, इसीलिए कि बाएं साइड में देखेगा कोई आदमी वगैरह तो नहीं है, बैग तो नहीं है, लेकिन ये गोलार पेटरवार में और चितरपुर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, रात में ठीक रहेगा, रात में ट्रैफिक नहीं रहता है। तो चलिए अब यहाँ से 40-50 किलोमीटर और बचा हुआ है, और एक टायर भी पंचर हो गया, अब क्या मतलब हेल्पिंग निकल जाए कि हवा कम है, वहाँ टायर दुकान पे लेके चलेंगे तभी मालूम चलेगा। और ये देखिए दाहिने साइड में जो पूरा 6 लेन रोड बन रहा है, और मांझी से लेकर सीधे यहाँ पे जैना मोड़ तक, तो दाहिने साइड में अभी काम चालू है, बाकी देखिए कब तक होता है। तो चलिए अभी जाके रूम पे नहाएंगे धोएंगे, और संडे में तो कुछ प्रोग्राम बना नहीं मटन वाला, तो आज है मंडे, आज सोच रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाया जाएगा, तो विराट का भी मन है कि पापा आज मटन वगैरह खाएंगे, तो देखिए पहले घर पे चलते हैं देखते हैं, अगर प्रोग्राम आज बनेगा तो आज मटन वगैरह बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी तो हम टायर चेक किए तो वेल्पिन लीक है, टायर की स्प्रे से जो चेक किए अभी टायर वेल्पिन लीक है, तो चलिए अब वहीं पे चलना होगा क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट स्टोक यार्ड का पास जाएंगे तो वहाँ पे काम हो जाएगा। चलिए अब रुद्रा लाइन होटल में लगा देते हैं गाड़ी। दोस्तों अभी शाम हो चुका है और अभी आ गए अपने रूम पे, तो यहाँ पे आके नहा धोवा लिए हैं, अब पूरा नया कपड़ा भी पहन लिए हैं, पुराना कपड़ा पूरा गंदा हो गया था उसको धोने के लिए डाल दिए हैं, और अभी देखिए चाय और नमकी खा रहे हैं। इधर देखिए विराट भी बैठा हुआ है, और बताओ विराट कैसा हाल चाल है? सब ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाई में मन लग रहा है? अब इन्वर्टर बैटरी लग गया तो लाइट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा घर में? नहीं, रात को जो अभी सबको लाइट कटा हुआ हम ही लोग का है अभी। हाँ। अच्छा, अब तुम टीवी में फ्री फायर खेल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है? टीवी में फ्री फायर कैसे खेलते? अच्छा, पढ़ाई करो मन लगा के। और दोस्तों रोहित होटल में ही गाड़ी लगा के फिर सो गया, वो अभी तक रूम पे आया नहीं है, हम उसको बोले कि तुम आओ जल्दी से कपड़ा वगैरह लेके नहा धो लेना तो अच्छा रहेगा, और चाय पानी भी पीना है, रात में खाना भी बन रहा है, तो बोल रहे भैया हम आते हैं शाम को, आप चलिए बढ़िया आगे, अभी फोन लगा रहे तो बोल रहे अभी सोए हुए गाड़ी में, तो चलिए ठीक है दोस्तों अब चाय पीते हैं तो चलते थे हम लोग घूम लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और अभी तो पंकज भैया घर आ गए हैं, तो अभी चलिए नहाएंगे धोएंगे, और कल सुबह फिर 10 बजे हम लोग यहाँ से निकलना है स्टोक यार्ड के लिए। खाना में क्या खाएगा ये बताओ? भेज भैया, नॉन भेज, दूध रोटी क्या खाएगा? हाँ वही चल जाएगा, भेज एकदम, नॉन वेज नहीं, भेज एकदम, कोई भी सूखा भेज बनेगा तो खा लेंगे, नॉन वेज तो अब 2 तारीख के बाद। अच्छा 2 तारीख के बाद, हाँ तो ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही 1 तारीख है। हाँ परसों और फिर नवरात्र चढ़ जाएगा, फिर 7 दिन और नवरात्र पालना है, 9 दिन, और उसके बाद शुरू कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमने पापा आए थे इस खुशी में, पापा को बोला कि आज मटन खिला दीजिए, देख सकते हैं पापा 1.5 किलो मटन ला दिए पूरा फ्रेश, चलिए आज बनेगा, मजा आएगा खाने में। रोहित भैया आज उस उनका पितर पक चल रहा है इसलिए वो खाएंगे अभी दूध रोटी, ठीक है गाइस अभी मम्मी बनाएगी इसको। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और फाइनली देखिए 1.5 kg मटन लेके आ गए हैं, तो विराट बाबू का आज मटन खाने का मन था, और कल संडे वाला प्रोग्राम भी नहीं हुआ था क्योंकि कल गाड़ी लोडिंग वगैरह कर रहे थे तो फुर्सत नहीं मिला था। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं चावल अपना बन गया है, और ये अपना रोटी भी बन गया है, तो चलिए इधर कुकर में प्याज वगैरह सारा डाला जा चुका है देख सकते हैं। चलिए आज जो मटन है दोस्तों आज हमारी वाइफ बनाएगी, क्योंकि हम लोग ट्रक में रहते हैं तो हम या रोहित भाई तो मेहनत करके खाना बनाते ही हैं, लेकिन जब हम लोग घर पे आते हैं तो हम लोग को भाई रेस्ट चाहिए,
आज वाइफ को बोले हैं कि थोड़ा बढ़िया से मटन बनाओ, क्योंकि रोहित भाई तो नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी 2 तारीख के बाद ही खाने होंगे, तब तक तो लगता है नवरात्रि आ जाएगा, तब तो लग रहा है मुश्किल ही है, अब लग रहा है दुर्गा पूजा के बाद ही खा पाएंगे। तो दोस्तों बहुत मस्त तरीके से मटन बनने वाला है, अभी देखते हैं हमारी मैडम कैसा बना खिलाती है। तो चलिए अभी मटन बनने देते हैं। लिए हमारा प्याज फ्राई हो चुका, अब यहाँ पे मटन डाला जा रहा है। अब मटन को यहाँ पे सीजने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो अभी सारा मटन को डाल दिया जा रहा है। मटन डलाने के बाद अच्छा से इसको फ्राई किया जाएगा, फिर हमारा मटन आधा घंटा में बन के रेडी हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे मसाला भी डाला गया है, तो मसाला डाला जा रहा था मस्त एकदम। अब इसको अच्छा से एकदम चलाया जाएगा, आधा घंटा तक भूनेंगे, फिर पक जाने के बाद इसको अच्छा से एकदम फ्रेम से इसको खाया जाएगा। दोस्तों भी रात के 9 बज चुके हैं और फाइनली हमारा खाना बन चुका है। तो देखिए आज कुकर में बना था मटन, तो बहुत ही अच्छा बना है। बाकी तब तो रोटी चावल बन गया है, और बाकी जो है हमारे ससुराल से भी आए हुए आदमी लोग, हमारे साली जी आए हुए हैं और हमारे ससुराल के ही हैं गोरांगो जी, जो हमारा इन्वर्टर यही लिवा दिए थे एकदम बढ़िया रेट में। आज गोरांगो जी को बुलाया क्योंकि हर समय हम लोग को मौका नहीं मिलता भाई, आज मौका था तो बोले गोरांगो भाई आप आइए और आज खाना पीना हम लोग साथ में बना के खाएंगे। बस भैया बुलाया है तो हम लोग आए हैं आज वही खाना ही खाने के लिए। बहुत दिन से बोल रहे थे कि भैया पार्टी नहीं दे रहे, पार्टी नहीं दे रहे। हमने कोई बात नहीं, जिस दिन फुर्सत में रहेंगे उस दिन मटन ला के आपको जरूर खिलाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अब खाना टेबल लग गया, इधर रोहित भाई का भी कुर्सी लग गया है, चलिए बैठ के मिलजुल के खाते हैं हम लोग। दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं और आज हमारा खाना में है मटन और रोटी, खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। गरम है ज्यादा, ऐसा लग रहा है विराट? अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा खाओ, तुम बहुत बोलता था मटन खाएंगे पापा मटन खाएंगे, आज लेके आए तुम्हारे लिए स्पेशल एकदम। मम्मी बनाई है, कैसा टेस्टीदार है ये बताओ। देखिए दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं, इधर देखिए खाना निकल चुका है, इधर देखिए दूध रोटी भुजिया है, इधर देखिए मटन है। मटन बनाए विराट का खुशी के लिए, कहे कि विराट बहुत दिन से बोल रहे थे मटन खाएंगे मटन खाएंगे, तो वैसे तो विराट का खुशी से मटन आया है। देखिए इधर पंकज भैया का साला है, इधर पंकज भैया बैठे हुए हैं, पंकज भैया का वाइफ का बहन भी आया है, साली जी हमारी आई है। साली जी पंकज भैया, साली जी बोल रही थी कि पार्टी नहीं देते हैं, बोले कोई बात नहीं जिस दिन हम घर पे रहेंगे उस दिन मटन ला के आपको जरूर खिलाएंगे। बाकी गोरांगो जी भी आए हुए हैं, ये भी हमारे ससुराल के बगल के ही रहने वाले हैं, मतलब हमारा छोटा साला का फ्रेंड है, तो हमारा भी साला ही लगेंगे। गोरांगो जी खाइए और बताइए कि मटन कैसा बना है। चलिए आज हमारी वाइफ बनाई है, मतलब आपकी दीदी बनाई है, तो देखिए कैसा लग रहा है खाने में, स्वाद में एक नंबर है, बढ़िया है। चलिए हम भी पहले ग्रेवी के साथ में रोटी खाते हैं, बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों, मतलब हमारी वाइफ भी मटन अच्छा बना लेती है। अब रोहित भाई को खिलाते हैं, लेकिन रोहित भाई का जान ही रहे इसीलिए दूध और आलू का भुंजिया खा रहे हैं। क्या रोहित भाई? हाँ एकदम अच्छा तो नहीं लगता वो रोहित भाई खाना? नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। अब करेंगे अब आपका मटन चिकन दुर्गा पूजा के बाद ही होगा, पहले उधर रखिए। नहीं उधर नहीं सता रहे, नहीं सता रहे। तो चलिए ठीक है दोस्तों अभी खाते हैं, बहुत ही अच्छा खाना बना है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ही स्वाद बना है और बहुत अच्छा खाने में लग रहा है। गर्म है क्या? गर्म है थोड़ा थोड़ा, आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बॉयल भी काफी अच्छा हुआ है, जानते हैं ना मेरी वाइफ अच्छा खाना बना लेती है, खासकर मटन बनाती है, क्योंकि चास में भी मेरा ससुराल में भी बहुत नाम है कि मटन बढ़िया बना लेती है। मेरा घर में भी बनता है, खाते हैं, लेकिन ऐसा मटन बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट वाला बना है। तो दोस्तों मटन हम भी खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम मजा आ गया खाते। दोस्तों अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है और रोहित भाई चले गए गाड़ी में सोने के लिए और हम भी चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह में गाड़ी लोडिंग करके फिर बोकारो से रांची जाना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ से रांची का ट्रिप। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्ट टू ड्राइवर।